सर बेसिकली फर्स्ट स्टेप बताइए क्या होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में हमारी बैच मिक्सर मशीन आती है जो बैच को मिक्स करती है। बैच मिक्स करने के लिए इसके अंदर 20 किलो कॉर्न फ्लेक्स लगाया जाता है, 10 किलो चावल का फ्लेक्स होता है जी, उसके साथ 2.5 लीटर पानी जी और 500 से 600 ग्राम रिफाइन लगाया जाता है जी। 5 से 7 मिनट उसको मिक्स करने के बाद बैच मिक्सर रेडी हो जाता है एक्सपोर्टर मशीन में जाने के लिए, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट रेडी होता है। मतलब 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है पूरा बेस मिक्सचर होने में जी। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो मशीन में जाता है, वो अभी आपका दो स्टेप मशीन करने का। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से मिक्सचर मशीन है, पूरी प्रॉपर मिक्सर कर रही है, और देख सकते हो इस तरीके का रॉ मटेरियल है जो पूरा यहाँ पे कम्प्लीट बेस बनाया जाता है। चलिए देखते हैं सेकंड स्टेप क्या होने वाला है। अभी हम लोग ड्राई फ्रूट में निकालिए, इसमें आप 15 तरीके का आइटम निकाल सकते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट नहीं जाते करेंगे, आप 15 तरीके का प्रोडक्ट शरीर बना सकते हैं। इसमें देखता मैं ऑपरेटर हूँ, इसको मैं हैंडल करता हूँ ऑपरेटर के तरीके से। हम एक निकाल लिया हूँ, इतना बढ़िया है ये क्वालिटी, देखिए आप एकदम देखी है। इसको मैं 10 से 15 आइटम निकाल के दिखा सकता हूँ उसमें का, तो इसे एक मशीन से 15 तरीके का आइटम बनाया जा सकता है। हाँ, 15 तरीके का आइटम बना सकता हूँ मैं। वो कैसे बना सकते हैं? कि ढाई से ढाई है ना, क्योंकि कटिंग कर रही है जैसे ये वहाँ ढाई से, मैं ढाई से जैसे क्वालिटी आप चाह रहे हो ढाई से ढाई लगा के बस क्वालिटी में बना सकता हूँ। 15 तरीके का आइटम बनाया जा सकता है। आप इस मशीन को ऑपरेट करते हो? हाँ, मैं मशीन को चलाता हूँ, ऑपरेटर हूँ मैं। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप सही करके देंगे? हाँ, बिल्कुल सही करके देता हूँ। क्वालिटी देखिए पहले आप, आपको लगता होगा हाँ कि है बच्चा कामयाब। उसको देख सकते हो ये सिर्फ मशीन के ऑपरेटर, क्योंकि अगर आप कोई भी मतलब मशीन परचेज करते हैं कोई भी परेशानी आती है, जैसे कि मैंने बताया 15 तरीके की डाई लगा के 15 तरीके की कटिंग और 15 तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया जाता है। दोस्तों देख सकते हो कुछ ही मिनटों के अंदर ये सब बनकर तैयार हो गए हैं, ये पूरी कटिंग करके दिखाई गई थी। जैसे कि सर ने बताया था 1 घंटे के अंदर 100 से 120 किलो की प्रोडक्शन होने वाली है, तो कुछ ही मिनटों के अंदर जो हमें दिख रही है काफी सारी प्रोडक्शन हो चुकी है। तो चलिए अब जानते हैं आगे का स्टेप क्या होने वाला है। दोस्तों देख सकते हो ये सबसे जान लेते हैं आगे का स्टेप क्या होने वाला है। अभी जैसे कि हमने 2 स्टेप देखे, इसके तीसरा स्टेप क्या होने वाला है? तीसरा स्टेप है रोस्टिंग स्टेप। रोस्टिंग स्टेप प्रोडक्ट बनने के बाद मशीन में रोस्टिंग के लिए आता है जी। रोस्ट होता है, उसके बाद में जाते हैं चौथे स्टेप के लिए, मिक्सर के लिए जी। दोस्तों देख सकते हो ये एक रोस्टिंग स्टेप है, इसके अंदर पूरा प्लांट है और रोस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हो पूरा, आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे किस तरीके से प्रोडक्शन होती है, पूरा कैसे कंप्लीट तैयार होता है बनके, और पूरा आप देख सकते हो रोस्ट होकर इस तरीके से पूरा यहाँ पर इस तरीके से कंटेनर में गिर रहा है। सर सेम इसकी प्रोडक्शन की बात कर ले तो ये मशीन कितनी प्रोडक्शन देती है? ये प्रोडक्शन देगी आपका 1 घंटे में 100 से 120 केजी का प्रोडक्ट। 1 घंटे में 100 से 120 किलो, मतलब जैसे कि अभी आपने बताया था उसमें सेम प्रोडक्शन रहता है रोस्टर मशीन का। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? ये मसाला मिक्सर मशीन है जी। प्रोडक्ट को रोस्ट करने के बाद मसाला लगाने के लिए मशीन में लाया जाता है। मशीन में डालने के बाद सबसे पहले इसके ऑयल पे स्प्रे किया जाएगा।
रिफाइंड लगने के बाद जब मेन्यू हो जाएगा उसके बाद 10% का पता लगाया जाएगा, क्योंकि आप टेस्ट देना चाहते हैं जी। ऑल मशीन से स्प्रे होना है के लिए आ चुका है। ये ऑटोमेटिक मशीन है, न्यूमेटिक रोलिंग मशीन है। यहाँ पे आपकी डेट, बैच नंबर, वेट, प्राइस ऑटोमेटिक आपका टैग होगा पेपर के ऊपर। ऊपर आप वो देख रहे हो, पर वहाँ पे आप माल लगा सकते हैं अपना। उसके बाद ऑटोमेटिक मशीन में पैक रहेगा और पैकेट बनते रहेंगे। ये रेडी बनेगी यहाँ पे 1 घंटे में। ये 1800-2000 के आसपास पैकेट बना देती है मशीन रेगुलर चलेगा, ठीक है। और इसमें आप एक पैकेट से लेके 100 पैकेट की रेडी भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको 14, 12, 10 की रेडी चाहिए, आप टाइमिंग सेट करेंगे इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपकी मशीन 12, 14, 16 जो भी रेडी की आपने टाइमिंग सेट की है कट करेगी वही। इस तरीके की लड़ी आपकी तैयार हो जाएगी, इस तरीके से लड़ी बनेगी आपकी। वेट एंड डेट सब रहेगा। फाइनल प्रोडक्ट कंपनी के गाड़ी